अपन खेल को तुम्हें खोया, खाना पीना सोया। पालापन हस खेल गमायो, जानी पयो कजो काम। करते गुजर जाता है और प्रभाए तन संपन लागो, प्रभाए तन संपन लागो, लचकन लागो चावा नाड़ी खपा भज हो। करते सब पुर्जा थक जाते शरीर के और सखा सिकुड़ने लगती है, और ऐसी दशा में क्या होता है जब ज्यादा बूढ़े हो जाते, कब बूढ़े होते उनकी कोई बात नहीं ना, ज्यादा बूढ़े हो जाते। लाठी टेक चल मार्ग में सही जाते नए धाम, चलत मार्ग में सही जात नए धाम। और आँख में अंधारे कानन फेरे, आप लोगों ने जो है अपने माता पिता या बड़े बूढ़े जो दादा परदादा जो दूर का देखने वाले हैं उन्हें पास भी देखने में बड़ी मुश्किल होती है, जो दूर की बात सुनते हैं सुनने वाले हैं उनकी जो है बुढ़ापे में कान भी सुनना बंद कर देते हैं और बुढ़ापे में दांत भी काम करना बंद कर देते हैं। अंधारे कानन पेरे दांत और कहा है ऐसे समय में घर की नारी बोली बोले पुत्र करे बतना, करे करे कटिया पे चितवत हो पतंगा और नहीं सकता। पंख चल जाने के बाद आदमी नाकाम होता है, पंख गुजर जाने के बाद। और परे परे कटिया पे चितवन निकला तना है प्राण, अंधारी मन तब भाते हो भाता भाव। और भोग के कारण घर में प्राण निकल जाते हैं और सत्संग जहां हो ता ना आए पाते। ये भी बहुत बड़ी बात है कि माताएं बहनें तो खेल करके ये इतनी बड़ी बात बहुत बात बहुत समझो, हमारे भैया तो सोच चले गए, कछ लोग रह गए भैया। कहते मन मरा न माया मरी, पर मर गए शरीर, मन जो है शरीर के साथ मर जाता है और ये माया नहीं मरती, ये तो पैदा होती है फिर नष्ट हो जाती है, पैदा हो फिर नष्ट हो जाती है।
निकली प्राण धन पर ले नहीं छूट गयो धन धाम। प्राण निकलते ही गैर हो जाता है, अभी अपना नहीं था। निकली प्राण धन पर ले नहीं छूट गयो धन धाम। और मैं कबीर बात में कहा करियो, मैं कबीर बात में कहा करियो, पारी है जमाना से काम, अनाड़ी मन बाबा भरियो नारी बना रहता है। कब भजोगे उस भगवान को, परम संत कबीर दास जी कहते हैं।